छैल छबीले श्याम, श्याम सुंदर की सुंदरता का इसमें वर्णन है। इस पद के अनुसार ही उनका रूप ध्यान करना है। श्याम सुंदर बड़े सजीले, बड़े सुंदर छैल छबीले हैं, रसिक रंगीले गुण गर्वीले, प्रेम रस से हुए भरे हुए हैं, गुण गर्वीले और बहुत सारे अपने गुणों से वो गौरवान्वित है, यानी बहुत सारे उनके गुण हैं जिसके कारण उनकी सर्वत्र पूजा होती है। चटकीले छविधाम, और बहुत ही वे सुंदर और चटकीले हैं, यानी जिसको जो भी उनकी ओर देखता है वो बरबस उनकी ओर मोहित हो जाता है। छवि धाम में सुंदरता के मानो समुद्र हैं। नीले तन पर अंबर पीले, उनका शरीर नीला है और अंबर पीले, उनके जो कपड़े हैं वो पीले हैं। चमकीले अभिराम, और वो बहुत शाइनी है, चमकदार हैं, बहुत सुंदर हैं। सरस रसीले द्रिगन गसीले, जो उनकी आँख है वो बहुत ही रस से भरी हुई और बहुत सुंदर लगने वाली, अट्रैक्टिव है। और द्रिगन गसीले, और जो उनकी आँखें हैं वो जैसे एकदम मन में गड़ जाती हैं, इतनी सुंदर आँखें हैं। सीले मन ब्रज बाम, वे उनके आँखों का रस ही है जो ब्रज की गोपिकाएं हैं उनके मन को मानो सी लेती हैं, यानी एकदम अपने में जोड़ लेती हैं। चली लचकीले सखी मन कीले, और जब वो झूम कर चलते हैं तो मन के अंदर बिल्कुल जैसे वे बस जाते हैं। मुरली ले तिन नाम, और वे मुरली में सखियों का नाम, जो सखियों के मन में बस जाने वाले श्री कृष्ण हैं, ये जब मुरली बजाते हैं तो ले तिन नाम, वे ललिता विशाखा आदि सखियों का नाम ले लेकर मुरली में बुलाते हैं। अस पी ले कृपालु रस पी ले, शिवाजी जी कहते हैं कि वो ऐसे रसमय हैं कि उनके रस को हे मन तू अच्छी तरह पान करे, उनके रस का पान करो, और हीले धरी अविराम, और उनको सदा अपने मन में बसा लो। ऐसे वे सुंदर हैं, ऐसे वो अट्रैक्टिव हैं, उन और वे रस के समुद्र हैं, हमें उनका स्मरण करना है। छैल छबीले श्याम सजीले, छैल श्याम सजीले, छैल छबीले Yeah।
मन भजे
Thank you.